चल जोर ला, हाँ जोर ला। चल ये रस निकल आया है गन्ने का, गन्ना ही चक ले गया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग वीडियो। कल मैं गांव आया था, अभी मैं गांव में मौजूद हूँ और अभी नाश्ता करना है। ये हमारे घर के करीब ही एक ट्यूबवेल लगा हुआ है, पहले ये इस जगह होता था और यहाँ से उन्होंने यहाँ पर चेंज शिफ्ट किया है। यहाँ पर हम सुबह नहाकर स्कूल जाते थे और अब ये नया कुआं बना है, यहाँ पर ट्यूबवेल का पानी बहता है। फिर ये जो मेरे पीछे आप फसलें देख रहे हैं हरी भरी साफ, इनको ज़्यादातर ट्यूबवेल के पानी से ही सराब किया जाता है। ये साथ है चार, आपको गंदम का सिट्टा दिखाते हैं जिस पर जिसमें दाने हैं वो पकते हैं। ये सिट्टा ये आप सिट्टी देख सकते हैं गंदम की। आ जा, ये नहर का पानी लगा हुआ है साथ में। एक गांव के नंबरदार को बुलाया है, वो हमारी मदद करेंगे, हमें बताएंगे कि ये सारा जो गांव का है हिसाब किताब वो हमें ये सब भाई बताएंगे। इसको हम छोटा नंबरदार बोलते हैं गांव अपने गांव का। हाथ नीचे करो बस, सही हस दायरे का। हंसने के अलावा आपको कोई और काम है? सीधा देखो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है? जी हाँ किया हुआ है। किया हुआ है। क्या नाम है? आन दो का। अच्छा, कितनी वीडियोस आ गई हैं? मैंने तो 7-8 देखी हैं। अच्छा, लास्ट वाली वीडियो का क्या, कौन सी वीडियो थी जो मैंने बिल अपलोड की थी? नहीं, मैंने तो 1 महीना से नेट भी नहीं यूज किया। क्यों? पैकेज भी नहीं है। अच्छा, नंबरदार किस बात के चलो चलते हैं आगे, आपको मजीद दिखाते हैं अपने गाँव। किस चीज़ का? नहर का। हाँ, नहर का पानी ठंडा होता है। अच्छा, ये हमारे चक के काय हैं। काय क्या होता? मतलब कब आ? हाँ, काय काय करते हुए निक्के डब की तरफ जा रहे हैं। हाँ, आपकी गंदम देखते हैं कैसी है। अच्छा, अच्छी है। चलो आ जाओ इधर। स्टॉप स्टॉप नेम हम दिलाओ, चिंगम के चंबू से बचना याम पाउस। अब जान बन कर दिखाओ। जान बनेगा डॉन, ये चिंगम। हाँ अच्छा अच्छा छोटा नंबर दा, छोटा नंबर दे रखे किलो वाला। टेंडेड एयरपोर्ट। एयरपोर्ट हाँ, टकला लखा नहीं है तो नहीं। अच्छा, किलो किलो। हाँ, आई देख लेने आए पोत्र नो, पोत बेने आए पास होया है कि फेल होया, देख लेने आए। पास हो गया ना, दो देगा पकानी है, गेणवी है दो। अच्छा, एक सलोनी तो एक मिठी। अच्छा, ये होया फेल, या गारे जो रासी तो या मैं रासी। ओ रासी ये साथ एक मस्जिद है, आपको दिखाते हैं। मौला गाजी अब्बास का कलम लगा हुआ है और यहाँ पहले जो है वो कच्ची मस्जिद होती थी, फिर अब पक्की मस्जिद बनी है। साथ ये बदरूमी के 2-3 दरख्त लगे हुए हैं, काफी बड़े हो गए, इनको काटना चाहिए था, इधर रास्ता भी बंद हो जाएगा। ये काफी पुरानी मस्जिद है लेकिन इसकी तामीर जो है वो पक्की ईंटों से की गई है, नई बनाई गई है, पहले ये गारे की होती थी। और साथ ये फसलें आप देख सकते हैं और साथ जो है वो नहर का पानी लगा हुआ है फसलों को। चल लोटा उठाकर इनको पानी दो। इनको पहले तो इनको ये बनाना चाहिए था, ये क्या इसको कहते हैं, बना लेंगे आप पानी लग। मुझे मेरे हिसाब से करवा टूटा हुआ है तो सारा पानी रास्ते में ही है।
अच्छा जितना हम इजी आ सके। हाँ चलो हम कोशिश करते हैं। ये देखो हमें ये देखो, ओहो सो नाइस। कट रहे हैं जा गन्ना एक लाया, हम, गन्ना बनेंगे तो उनको पता चल जाएगा जा उसे तो पोछ हम ला तो मारेंगे। उनसे पोछ ला। पूछूं कि मुझे 10 रुपए का एक गन्ना दो चल जा। नहीं मारना, हम अभी गन्ना बंद कराते हैं क्योंकि आप निगलने हो हैं। कांडे हम इधर जाते हैं। गन्ना चल आ जा। अरे तो मैंने आपके लिए बना लिया है और मालिक का कमान मुझे काफी बुरा भला कहा है उसने। है ना, काफी मीठा है गन्ना। आ जा। जब मलक चले जाएगा ना फिर नहीं नहीं बस हम एक गन्ना दोबारा। आज से 5 साल पहले यहाँ इस जगह पर हाँ शकरकंदी होती थी। अच्छा, बहुत मजे करते थे हम भी वो भी। कौन गट्टू गट्टू ले आते थे घर से और कौन मजे करते पक्का थे, किस मलक भी और हम भी शकरकंदी बात पर? पर। कसम खुदा की इतनी मीठी होती थी अच्छा। मत पूछो। एक महीने में ही पूरा गट्टू खत्म हो जाता था। हम खा लेते बोरी बोरी। अच्छा बोरी। बहुत हरामी हो बेटा। आपको कैसे चला? इसमें आपको पानी दिखाई दे रहा होगा। ये लाल ही देखो लाल। अच्छा ये आप जो नहर देख रहे हैं ना, ये हमारे गांव के बाहर से गुजर रही है। ये साथ दूसरा गांव है और ये समझ लें एक, ये नहर जो है बाउंड्री लाइन का काम कर रही है या सरहद का काम कर रही है। एक हमारे गांव को दूसरे गांव से अलग कर रही है, मतलब ये बाउंड्री लाइन है। इसके उस पार, नहर के इस पार जो है ना दूसरा गांव शुरू हो रहा है, जो सामने आप देख सकते हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये दूसरा गांव है। ये भी हमारा गांव ही कहलाता है। ये हमारा गांव ही कहलाता है। नहीं यार ये दूसरा गांव, इसको भी 166 बोलते हैं। इसका भी नंबर एक नंबर सेम है ना, नाम इसका और है। हमें इसको निक्के डब बोलते हैं। ये दूसरा गांव है। ये जो नहर है ये हमारे गांव के बाहर से गुजर रही है। ये खेत देख रहे हैं नहर के उस पार, वो हमारे गांव की तरफ है। जो नहर के इस पार है ये इस गांव की तरफ है, मतलब इस इन गांव वालों के ये खेत हैं। चल जोर ला। हैं जोर ला। अरे ये रस निकल आया है गन्ने का। गन्ना ही चख ली गया। छोटे नंबरदार साहब जल्दी करना, चुप हो जल्दी। सही है। कसम खुदा की क्या बताऊं, गन्ना इतना मीठा है ना कि जिंदगी में ऐसा गन्ना मैंने कभी नहीं लिया। ऐसा ही समझ लो। सही, हर चीज खालिस मिलती है यार। ये आप देख सकते हैं छोटे नंबरदार की सेहत। खालिस चीजें खा खा के। अच्छा हमारी आपने बहुत सी वीडियो बनाई है, आप बस करो। यहाँ पर वीडियो करते हैं एंड। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। नई सब वीडियो सब 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 सब्सक्राइब करें ना, और बेल आइकन को भी दबा दें, घंटी के निशान को जो भी, घंटे का लाल सा निशान लाल। होता है उसको मुक्का मार कर दबा। नहीं वो तो सब्सक्राइब वाला होता है ना लाल। हाँ घंटी वाला कैसा होता है? काला होता है, कसबैद होता है। ब्लैक होता है। अच्छा जो भी है उसको ना ऐसे मुक्का मार कर क्या करना, दबाना है। वीडियो को यहाँ पर करते हैं एंड। टाटा।